पाक तुर्क दोस्ती में एक नया संग भी, हीर और सस्सी पाकिस्तान के हवाले। आपके नाम सुनकर हैरान हो गए होंगे कि सस्सी और हीर को तो इस दुनिया से गए कई सदियां बीत गई, फिर तुर्की ने कौन सी हीर और कौन सी सस्सी पाकिस्तान के हवाले की। तो जनाब, तुर्की पाकिस्तान के लिए 4 टग बोट्स और 2 पायलट बोट्स तैयार कर रहा है। इस्तांबुल के सामार शिपयार्ड में तैयार होने वाली इन कश्तियों के नाम रखने की एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सामार शिपयार्ड के सदर जेम सेवन, तुर्की में पाकिस्तान के सफीर साइरस सज्जाद काजी और पाकिस्तान की बंदरगाह पोर्ट कासम अथॉरिटी के चेयरमैन रियर एडमिरल रिटायर्ड सैयद हसन शाह ने शिरकत की। इस्तांबुल शिपयार्ड में जो 4 टग बोट्स तैयार की जा रही है उनके नाम कुरंगी, पिपरी, घारो और मालिक रखा गया है। ये मंसूबा दोनों मुल्कों के मैरिटाइम शोबे में ताल्लुकात का एक नया बाब है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी के चेयरमैन ने तकरीब से खिताब में कहा, ये एक तारीखी मुआहिदा साबित होगा जो पाकिस्तान और तुर्की में समंदर की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान के सफीर साइरस सज्जाद काजी ने कहा कि दोनों मुल्क बहरी उमूर के दोनों सिविलियन और दिफाई शोबे में तआवुन कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की में बहरी जहाजों की सनतों में मुश्तरका तआवुन के कई इम्कानात मौजूद हैं। सामार शिपयार्ड कई बरसों से बहरी कश्तियों की कौमी और बैनुल अक़वामी मांग को पूरा कर रही है। ये शिपयार्ड समंदरी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जदीद कश्तियों की तैयारी में अहम मकाम रखती है।